हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पॉइंट फील इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। सो लेट्स संविधान सभा। संविधान शब्द जो है वो सम प्लस विधान से बना है, जिसका मतलब होता है सभी के लिए समान कानून। जहाँ सभी के लिए समान कानून है वो होगा संविधान। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, जो कि परंपराओं पर आधारित है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसे आदर्श भी माना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो इसमें तीन चीजें, जब बात करें प्रथम अलिखित संविधान तो ब्रिटेन जो लिखा नहीं गया है, और प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो है भारत का। जुलाई 1946, इस दिन कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन और चुनाव दोनों हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गठन और चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे कैबिनेट मिशन द्वारा। अब कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन तीन सदस्यीय टीम थी, जिसे भारत में किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा गया था। वो उद्देश्य ये था कि एक तो भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना था, दूसरा नया संविधान बनाना था, और तीसरा अस्थायी सरकार की स्थापना करनी थी। तो उस कैबिनेट मिशन में जो तीन सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर। इन तीनों के नाम को याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो है पास, PAS। P फॉर पैथिक, A फॉर अलेक्जेंडर, S फॉर स्टेफोर्ड। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कैबिनेट मिशन पर एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कैबिनेट मिशन को डिटेल में दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि। इसका मतलब यह है कि जहां 10 लाख की आबादी है वहां पर एक सीट तय की गई। इस तरह से कुल 389 सीट्स आई। टोटल जो सीट्स आई वो 389 हुई, जिसमें से 292 प्रांतों से थी, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। उस समय हमारे जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे वो थे अजमेर, बलूचिस्तान, देहली और कुर्ग। इन नामों को याद करने की हमारे पास ट्रिक है, अब डीके को सदस्य बनाओ। अब डीके को सदस्य बनाओ। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर है अभी, डी से दिल्ली, के से कुर्ग जो कर्नाटक के अंदर है। उस समय अंग्रेजों ने मतदान में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करा था, तो उन्होंने तीन वर्ग रखे थे, पहला सिख, दूसरा मुस्लिम और तीसरा साधारण। उस समय सिखों को 4 सीटें मिली थी, मुस्लिम्स को 79 और साधारण को 213। तो कुल मिलाकर 296 सीटों पर चुनाव हुए। अगर हम दलों के रूप में देखें तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली। 1906 का मतलब है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो इस तरह से ऑपोजिट कुल सीट होगी 296। संविधान सभा का बहिष्कार एक तो मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, क्योंकि वो चाहती थी कि पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग रखी थी उन्होंने, और दूसरा हैदराबाद रियासत ने करा था, क्योंकि इनका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। कुछ खास दिनांकें जो हमें याद रखनी है, जो कि खासकर पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम्स में, 9 दिसंबर 1946, इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये उस सदन के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में से थे। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। फिर वापस से 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। इसमें पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश करा और कब पेश करा। तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा कब? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में। 31 अक्टूबर 1947
स्वतंत्रता के बाद प्रथम बैठक हुई थी इस दिन। इस समय संविधान सभा में कुल सदस्य 299 थे। विभाजन के बाद संविधान सभा की सीटें 324। इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वहां की सीटें कम हो गई, तो पहले 389 थी, तो अब वहां की सीटें घटकर हमारे पास हो गई 324 सीटें। संविधान सभा के सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, अनियमित हुआ, आत्मसमर्पित हुआ, सबका मतलब एक ही है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ। इसको अलग अलग तरह से पूछा जाता है कि संविधान, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब अंगीकृत हुआ, कब अनियमित हुआ या कब आत्मसमर्पित हुआ। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, और इसके 2 दिन बाद ही 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना और भारत का संविधान लागू हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र बना था, तो इसके 2 दिन पहले ही अंतिम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा में जो कुल सत्र आयोजित हुए वो थे 11। इन 11 सत्र में 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करी थी बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक द्वारा 1895 में। संविधान सभा का औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था एमन राय ने। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि संविधान सभा के लिए राय किसने दी थी, एमएन राय ने राय दी थी। विचार को आप राय माने, भाई किसने राय दी थी कि संविधान सभा होनी चाहिए, तो वो एमएन राय थे। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले एक तो थे तेज बहादुर और एक थे जय प्रकाश नारायण। ये वो दोनों, ये वो लोग हैं जिनको सदस्यता दे रहे थे लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं करी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल 15, हमारे संविधान सभा में कुल महिला की संख्या 15 थी। संविधान सभा को बनाने में खर्चा, संविधान सभा को बनाने में खर्चा आया 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख हो जाता है ये। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में हमारे पास कुल 22 भाग हैं, 445 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनाने में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये संविधान सभा पर कुछ फैक्ट्स थे जो हम इस वीडियो के माध्यम से लेके आए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हमने एक जीके पर वीडियो बनाई थी अनुसूचियों पर, आप उसको भी देखें, जिसमें हमने अनुसूचियों के ऊपर एक ट्रिक के साथ दिए, सिर्फ एक सिंगल ट्रिक से 12 की 12 अनुसूची आपको 10 मिनट में याद हो जाएगी। धन्यवाद।